नहीं करती है यहाँ पर। हे दोस्तों, राधे राधे हरे कृष्णा, गणपति अप्पा मोरया। आज हम निकल रहे हैं अष्टविनायक के दर्शन के लिए, जो है प्रथम अष्टविनायक मोरगांव, लेकिन हमारा वो होगा छठवा यानी सिक्स्थ गणपति होगा अष्टविनायक में से। तो उसके दर्शन के लिए हम लोग निकल रहे हैं अभी, और मौसम भी पूरा साफ हो रखा है, क्योंकि पिछले दो तीन दिन से ना कंटिन्यू एकदम बारिश हो रही थी, अभी मौसम साफ है। लेकिन जहाँ जाना है हमें वो खाट वाला सेक्शन है, तो मे बी वहाँ पर बरसात एक्सपेक्टेड है। तो चले चलते हैं मंगल मूर्ति का नाम लेते हुए। बहुत एक्साइटेड है हम लोग, क्योंकि हमारा छठवा गणपति है, और इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस ब्लॉग के एंड में डाल दूंगा। आई होप वो भी आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और यहाँ पे देखो, सिद्धि पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कल हमसे प्रॉमिस की थी कि पापा मैं बहुत अच्छी लड़की गुड गर्ल बन जाऊंगी, तो आज इसने गुड गर्ल जैसा बिहेव भी किया है। थैंक यू बच्चा फॉर योर वन स्टेप। और आरू देखो तैयार हो गई है। आरू ने एकदम फ्रंट ले रखा है कि जितने भी अष्टविनायक जाएगी ना, साड़ी में ही जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो साड़ी के अटायर में एकदम तैयार हो रही है यहाँ पर, है ना आरू? सब साड़ी में गई हूँ मैं। हाँ, सभी अष्टविनायक साड़ी में गई हो, पांचों के पांचों, पांच और छठवा भी है। नहीं, दो में नहीं गई हूँ, थेउर में, महागणपति में, उधर से नासिक से आ रहे थे। हाँ, नासिक वाले में नहीं पहनी है, इसमें भी भूल गया थोड़ा सा। तो थेउर वाला तो तुम्हारे बर्थडे में गए थे, तो उधर नहीं पहनी थी, रात में गए थे, बहुत लेट हो गया। तो अब ये सोच, ये कह रही है कि अब मैं हर गणपति को साड़ी में जाऊंगी पहन के, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ। पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है, लेट होता भी है। क्या लेट होता है, आप जल्दी किया करो ना, कुछ लेट नहीं होगा, समय पे किया करो। मोटी हो जा रही है, सब साड़ी रखी रह जा रही मेरी। चलो फटाफट चलते हैं, हम लोग बोले थे आज एकदम टाइम से निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए हैं, ऐसा कोई ज़्यादा लेट नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा हो गए हैं। बोला वाला तैयार हो गया यहाँ पर, सिद्धि ने अपना वॉफी भी रख लिया है, देखो ये भी खाने के लिए लेके जा रही है वॉफी। इतना से प्रसाद दिया मम्मी ने, बस थोड़ा सा जा रही है। हमारी सोसाइटी में गणपति पंडाल की तैयारी एकदम चालू हो गई है, इसके ब्लॉग भी आपको मस्त मस्त मिलने वाले अगले वीक से। दरबान एक पाल लिया है आपने, बहुत मेहनती वाला, ठीक करेगा, पाउडर पाउडर लगाए जाओ हमारे लिए, सिद्धि है ना, बहुत क्या बोले सर, आप ही बताओ। बोल, मैं बस को बोली दूध रखा है, दूध पी लो, ये सुबह से कुछ खाई पी नहीं, उठ के बस नहा वहा के तैयार हो गई, उसको बोली दूध पी लो, बोले मैं दूध नहीं पीऊंगी, मैंने बोला क्यों, बोले मेरे लिपस्टिक निकल जाएगा, फिर मैं कैसे लगाऊंगी। दूसरे लिपस्टिक नहीं लाई हो, पापा बोले डांट रहे थे, फिर भी लिपस्टिक लगा लिया, बोले मुझे लिपस्टिक लगाना है, लिपस्टिक लगाना है मुझे, ये सिंदूर लगाना है, सिंदूर बोलती है मुझे लगाना है। अच्छा, सिंदूर बोल रही है। हाँ, मैं बोली बढ़िया हो जाना तब लगाना। ऐसे लग रहा है एंगेजमेंट में जा रही है कि लिपस्टिक निकल जाएगा, कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। हाँ, बोले मेरे लिपस्टिक निकल जाएगा, फिर मैं कैसे लगाऊंगी, लिपस्टिक निकल जाएगा। काम से ज्यादा तो इसी को टेंशन रहता है। आज कुछ खाना पीना नहीं, ठीक है, तुम्हारा लिपस्टिक नहीं निकलेगा। वैसे भी सिद्धि आज एकादशी है, आज एकादशी है, उपवास रह सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात। आज एकादशी भी है, पिछले संडे को गए थे, पिछले संडे को हम लोग गए थे वहाँ गणपति वरद विनायक गए थे, और इस बार जा रहे हैं मोरगांव, मयूर मयूर है, हाँ मोरगांव मयूरेश्वर, हाँ इस बार वहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो उस दिन में हम लोग फास्ट में ही जा रहा है हमारा, एकदम मजा आता है, फास्ट हो जाता है, एकदम हल्का लगता है ना, खा पी एकदम लगता है बस गंदा हो गया पूरा। अभी हम पहुंच चुके हैं बोगदेव घाट, पिछली बार था ना फर्स्ट घाट था ना तुम्हारा, है जब मैं नया सीखे थे, फर्स्ट था ये, बहुत डर रहा था, बहुत डर रहे थे, बहुत ज्यादा ही डर रहे थे, अभी तो डर चला लो गया, अभी क्या है, अभी देखो ना इतना भागा के ले चल रहे हो, एक छोटा सा ब्रेक लिया चाय के लिए, पीछे हमारे एक नर्सरी है और इन्हीं की चाय की दुकान भी है वहाँ पर। जस्ट यहाँ से घाट खत्म हुआ है अभी, बोपदेव घाट, और घाट खत्म होते ही हम लोग यहाँ पर रुके चाय पीने के लिए, ये एकदम ग्रीनरी है चारों तरफ,
बहुत ही मस्त लग रहा है। चलो चाय ख़त्म करते हैं और यहाँ से करीब करीब मैं 47 किलोमीटर दिखा रहा है हमें, लेकिन उसको कवर करने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा ऐसा दिखा रहा है। लेट्स गणपति बप्पा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। किलोमीटर तो हो गए स्मूथ नहीं है, बहुत खराब रोड है। सभी अष्टविनायक की पार्किंग बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर की तरफ। भीड़ तो लग रही है पब्लिक को देखकर। हाँ रू गजरा ही ढूंढ रही है कभी से, यहाँ कहाँ गजरा मिलेगा। लोग को यहाँ पहुँचने में करीब करीब 2 घंटा लग गया। हम लोग आधा घंटा उसमें खाना, आधा घंटा हम लोग चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे। यहाँ तो बारिश एकदम नहीं है, हमारे तरफ तो बहुत बारिश है। यहाँ पे हम लोग माला प्रसाद ले रहे हैं। दुआ दो कितनी हरी हरी एकदम और सूखा सूखा मिलता है। कितनी गर्दी है यहाँ पर। गणपति बप्पा का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। सभी अष्टविनायक में ना सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी ना, सभी के घर के करीब ना आपको झुक कर जाना होता है, निकलना पड़ेगा। इसी पेड़ के कारण पूरा ठंडक है यहाँ पे आसपास में। इतनी दूर में एक ही पेड़ है, सिद्धि अपने चीख जुगाड़ की चीज में जुट गई है। दर्शन के बाद अभी हम जा रहे हैं नदी देखने, लेकिन जितने लोगों से पूछा सब लोग कह रहे हैं कि नदी में पानी नहीं है, क्यों जा रहे हैं वहाँ पर। खिला दो खाना, शुद्ध शाकाहारी ही है। वांगी मिलते ये तो वैसा भक्त निवास है छोटे छोटे यहाँ पर रुकने के लिए। हाँ लग यहाँ का सबसे पुराना मंदिर लग रहा है। हाँ पूरा एकदम गांव है, एक्चुअली ये मोर गांव है, और मोर गांव में ये जो गणपति है ना मयूरेश्वर गणपति है, गांव के हिसाब से ही नाम पड़ गया है। यहाँ मौर्या गोसावी जी का जन्म भी हुआ है। इमली का पेड़ है ये सब पूरा पार्किंग की जगह पूरी फुल हो जाती होगी। हाँ जब कोई संक्रांति या चतुर्थी ये सब पूरा फुल है तो पार्किंग देखो यहाँ पार्किंग है। मुझे यहाँ पे खेलना है। सूखा पड़ा है। आ गए नदी के पास, बस वो थोड़ा सा पानी दिख रहा है, बस उसमें पूरी सूखी है, लोगों ने कचरा मचा दिया एकदम। इंसानों का बस चले तो नदियों को भी मिटा दे, बरसात में पूरी नदी सूखी है भाई साहब, ये मेरे सोच से परे है। सितंबर चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने हो गए मानसून के। गजब है भाई, लोग परेशान है बारिश से कहीं कहीं पे। तो ये देखो योगा करने जा रही है मैडम। योगा नहीं करनी है, बस थोड़ा सा पैर को रिलैक्स करने वाली है। मज़ा आ रहा है, शांत है ना एकदम। हाँ गाँव है ना, गाँव के बाहर गाँव में आ गए एकदम हम लोग। किसी चीज़ खेती हुई है, भिंडी का लग रहा है। अरे आराम से मजा आया आरु। बैठो हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा सही में, अच्छा लग रहा है। गांव में ऐसे गांव में ना, गांव में मतलब बाहर में जैसे गांव में जाओ और गांव में जिसके बाहर एकदम घर हो, गांव के बाहर उनके यहाँ जाने में मजा आता है ना, वैसा वाला फील आ रहा है यहाँ पर। हाँ हड़ से जाने का प्लान था, लेकिन उसके आगे पापा का जोर चल गया और पापा ने इसको दिमाग में डाल दिया कि लेके चलो। जजूरी से यहाँ पे तो लोग कितने आए हुए हैं, वही तो बोले पीला पीला पहनना पड़ेगा। फिर बिल्ली को कुछ खिला रहे हो तुम लोग, भूख लगी है, रो रही हो। प्रसाद लिया था ना। हाँ ले खिला दो, अब वो तेरे पीछे पड़ गई है तो खिला। बिल्ली ऐसी की पेड़ा खाती है, मिठाई। ये देखो कितना पुराना घर होगा, कितना बढ़िया है। बड़ा मोदक बनाने के लिए, ये छोटा मोदक बनाने के लिए, मोदक बना दे बेटा इससे। यहाँ पे एक आदमी एक दुकान नहीं है, दो दो तीन तीन दुकान मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ भी खोल दिया, वहाँ भी खोल दिया, वहाँ भी खोल दिया, ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। और वो देखो मेरी ब्लू कार दिख रही है वहाँ पर। अच्छा इसमें आगे। हाँ
पहली बार देख रहे हो ना तुम, इसीलिए अपने यहाँ नहीं मिलता ऐसे। हमारे तो तुरंत ऐसे गर्म करते रहते हैं मूंगफली भूजते रहते हैं। ये कितने का हुआ? 10 रुपये। चल वही ले लेते बस। और सब जेजुरी से देखो काफ़ी लोग आए हुए हैं, सब पीला पीला पहने हुए हैं। जेजुरी यहाँ पास में है सब वहाँ से। खाने की भी ऐसे छोटे छोटे दुकान भी हैं यहाँ पर। अच्छा दर्शन हुआ, तो गाँव की याद ताज़ा अभी। पराठा रखा है गाड़ी में, हाँ ले लो खा लेंगे। हाँ अरुण भी लेके आया था वड़ा, वड़ा ले लो। वड़ा, मत लो, हाँ वो गरम गरम वड़ा तल रहा है देखो। वड़ा ले लो बस, बोलो पाव मत लो, वड़ा दे दो बस। हाँ तो यहाँ पे गरम गरम वड़ा पाव देखो तल के रखा हुआ है। और यहाँ पे देखो ये मैच चल रहा है, बैल की रेस चल रही है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग देख रहे हैं इसको। सो हमारा मैप लग गया घर के लिए वापस, और बोबदेव घाटों के जाएगा, ज्यादा आइडिया भी नहीं है। और शाम भी हो चुकी है एकदम, कभी से मांग रहा संतरे की गोली दे ही नहीं रही है। ला खोलूं? लेके बैठी है देखो वहाँ पीछे। हाँ तो खाएगा, खोलूंगा तभी तो। मिल गया संतरे गोली, रोना मत, डोंट क्राई, सब लोग शेयर करके खाएंगे केक। गमदेवा बन रहा है हाँ। लेकिन हम लोग घर में कैसे जाएंगे भाई? ऐसे मोड़ के ना वो बन गए ना येलो बैग हाँ। चलते देखते। अच्छा वो ऐसे लेके जाएंगे गाड़ी? एक घंटे में पर टू टाइम से चालू होता है, तो वन टाइम कैसे चालू हो गया? चलो देखते हैं, हम लोग चालू हो जाएगा। चलो देखते हैं। गणपति पर बैठा है क्या उधर? नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर चलाया गाड़ी, मजा आ गया। पानी है उधर घाट में, थोड़ी सी हालत खराब हो गई थी अंधेरे में, बट अच्छा लगा। तो हम अपने वो इन्फॉर्मेशनल वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आरू बोलती है यार कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास किया जा रहा हूँ कि अपने दोस्तों के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला टिप्स देता रहूँ। हम लोग यहाँ से 100 किलोमीटर था मयूरेश्वर गणपति अष्टविनायक, और वहाँ का पार्किंग का 50 रुपीज़ चार्जेस है, खाने पीने के लिए वही छोटी मोटी टपरियाँ ज़्यादा 10 रुपये का चीन कर दिया पार्किंग वाले को, और खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक दो होटल्स हैं जो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। सो लेट्स एन्जॉय द आवर ट्रिप। हमारे ब्लॉग को भी आप इंजॉय कर रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।